वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी ने देखा होगा लास्ट वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था। कितनी बुरी तरह से मेरा एरोप्लेन क्रैश हो गया था। तो अब बस इतनी बड़ी समुंदर में मैं अकेला बचा और मुझे यहाँ रहकर सरवाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए मुझे कुछ खाना होगा, कुछ पीना होगा। अब ये समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करना होगा। तो अभी आप लोग सब सोचते होंगे कि इतने छोटे से वुडन पीस पे बैठकर मैं इतना सब कैसे करने वाला हूँ, लाइक खाना बनाना हो देन पानी गर्म करके उसे पीना हो। और अगर मैं अभी आपको बताऊँ कि मैं ये छोटे से वुडन पीस पे एग्रीकल्चर भी करने वाला हूँ तो आपको कितना शौक लगेगा। डोंट वरी, मैं ये सब करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे के वीडियो देखते रहिए। तो अभी मुझे क्या करना है, बस जो भी आसपास सामान है उसे कलेक्ट करते जाना है, बाद में उसका यूज़ करके सब चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं हुक से सबको खींच खींच के अपने पास ला रहा हूँ। तो अब हमने काफ़ी सारे चीज़ जमा कर लिए हैं, तो अब हम कुछ बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमने हैमर को बाय कर लिया है, तो अब हैमर से हम थोड़ा अपने फ्लोर को एक्सटेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये फ्लोर को एक्सटेंड कर लिया। बस अब कुछ नहीं, इसी तरह से मुझे सामान कलेक्ट करते जाना है, फ्लोर को एक्सटेंड करना है, फिर बाद में पिलर्स बनने हैं, रूफ लगाना है, बकेट्स फॉर वाटर कलेक्टिंग, और ये सब प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देना। तो अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वाटर मेकर। तो मेरा यहाँ पे वाटर मेकर हो चुका है रेडी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से वाटर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट काम क्या होगा, हमें बकेट लेना होगा। तो बकेट हमने यहाँ पे ख़रीद लिया है।
फिर एक छोटा सा मग भी खरीद लेंगे। हमने ग्रास को वाटर मेकर में रख दिया, बकेट में कुछ पानी ले लिया और उस कंटेनर में पोर कर लिया। अब नीचे में डालना है कुछ वुडन पीसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे वुडन पीसेस थे मेरे पास, तो एक को लगा दिया उधर आग में। तभी कुछ टाइम के बाद मेरा पानी हो जाएगा तैयार, तो उस पानी को मैं पी सकता हूँ। देख सकते थे जो भी सारे रूल्स है, जो भी सारे प्रोसीजर है, वो सब लिखा हुआ था। तो अगर ये गेम आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तो आपको वो रूल्स भी काफ़ी काम आएंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ मेरे एडवेंचर पे बने रहिए और देखते हैं हम आगे क्या क्या होता है। बट सबसे मेन खतरा तो हमें होता है शार्क से, जो अब तक हमारे सामने तक नहीं आया। तो देखने के लिए आगे क्या होता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।